स्वागत है आपका फिर से। यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ फिर से रिसर्च मेथडोलॉजी के कुछ न्यू क्वेश्चन। ठीक है, बिना लेट के सीधा स्टार्ट करेंगे। और रिसर्च पेपर पूछा जा रहा है कि रिसर्च पेपर क्या है, तो इट इज़ या सिंपल इज़ ए कंपाइलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ अ टॉपिक, कंटेन ओरिजिनल रिसर्च एज अ डीम बाय द ऑथर, कंटेन पीयर रिव्यू ओरिजिनल रिसर्च इवेल्यूएशन ऑफ रिसर्च कंडक्टेड बाय अदर्स, कैन बी पब्लिश इज मोर इन वन जर्नल। तो याद रखना, कंटेन पीयर रिव्यूड ओरिजिनल रिसर्च और इवेल्यूएशन ऑफ रिसर्च कंडक्टेड बाय अदर्स। तो रिसर्च पेपर क्या होता है, जब किसी कई लोगों ने आपका रिसर्च पेपर को कंडक्ट किया होता है, या सिंपल एक फाइंडिंग होती है कोई नई। Which one of the following belong to the category of good research? यहाँ पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा जो है वो एक good research ethics का एक step है, एक तरीके से बोल सकते हैं। Which one of the following belongs to the category of good research ethics? Publishing the same paper into two research journal, भैया ये तो आपका प्लैगरिज्म हो जाएगा। जिन लोगों ने प्लैगरिज्म की वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं कि बेटा प्लैगरिज्म क्या होता है। कंडक्टिंग अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर दैट एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर पीपल इन द रिलेवेंट फील्ड और रिलेवेंट प्रायर वर्क, सही चीज़ है। ट्रिमिंग आउटलाइनर्स ऑफ डेटा सेट विदाउट डिस्कसिंग योर रीजन इन द रिसर्च पेपर, इंक्लूडिंग अ कॉलीग्स एज एन ऑथर ऑन रिसर्च पेपर इन रिटर्न फॉर द फेवर इवन थ्रू द कॉलेज डिड नॉट मेक सीरियस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पेपर। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है, बाकी तीनों आपके क्या हैं, प्लैगरिज्ड हैं। सिर्फ बी अगर मैं बात करूँ, कंडक्टिंग अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड एक्नोलेज, जब भी हम किसी का डेटा लेते हैं और उसको एक्नोलेज कर देते हैं तो वह हमारा क्या होता है, वही हमारी एक नई रिसर्च एथिक्स होती है। तो याद रखना है आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पे इनमें से कौन सी बेस्ड नहीं है। आंसर है, समझ लेना है, क्वेटा सैम्पलिंग होती है आपकी, रैंडम सैम्पलिंग होती है। सिंपल याद रखना है, यहाँ पर सैम्पलिंग मेथड नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी पर नहीं होती। क्वेटा सैम्पलिंग को याद रखना है, क्वेटा सैम्पलिंग आपकी प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड नहीं होती है। नेक्स्ट पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस इज रिटन एज पर मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन MLA फॉर्मेट में, अगर आप बात करें तो रेफरेंस कैसे लिखते हैं, ये थोड़ा सा सबसे अच्छा है। जिन लोगों ने भैया इसकी वीडियो नहीं देखी है, MLA APA सब पर मैंने एक एक वीडियो आपकी डाल रखी है, तो सीधा से कर सकते हैं आप लोग। तो MLA का फॉर्मेट क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी साइंटिस्ट होता है या जो भी पर्टिकुलर नेम होता है उसको लिखते हैं। उसके बाद जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हॉल डोनाल्ड है आपका, तो हॉल डोनाल्ड में हॉल कॉमा लगा के डोनाल्ड करेंगे, फुल स्टॉप। पेपर का नाम किसका पेपर है, तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कहाँ से छपा है, तो न्यू दिल्ली। फिर उसका प्रिंटाइज हॉल ऑफ इंडिया, फिर 2005। तो सिंपल क्या करेंगे, नेम लिखते हैं, उसका सरनेम लिखते हैं, फिर उसका नेम लिखते हैं, फिर पेपर या फिर बुक का नाम लिखते हैं, उसके बाद प्लेस लिखते हैं, कहाँ से प्रिंट हो रही है उस जगह का नाम लिखते हैं, फिर ईयर लिख देते हैं। ये क्या हो जाता है, MLA मेथड हो जाता है। वर्कशॉप की बात करें तो वर्कशॉप होती क्या है, एक ब्रीफ इंटेंसिव कोर्स ऑफ अ स्मॉल ग्रुप एम्फेसाइज द डेवलपमेंट ऑफ स्किल और टेक्निक फॉर सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अगर मैं बात करता हूँ कि वर्कशॉप होती क्या है, तो वर्कशॉप क्या है, एक ग्रुप होता है पीपल्स का या पर्सन का या स्किल्ड पर्सन का या पर्टिकुलर टेक्निक को सिखाने वाले, एक टाइम होता है, एक ड्यूरेशन होता है, जैसे बोलते हैं क्लासरूम प्रोग्राम है, तो एक छोटा सा एक प्रोग्राम होता है जहाँ पर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के थ्रू सिखाया जाता है। ठीक है, तो वर्कशॉप आंसर डी हो जाएगा, समझने की चीज़ है। वर्किंग हाइपोथेसिस इज, वर्किंग क्या होती है, जब मैंने कहा कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च, ऐसी रिसर्च है जो आपके क्या है, प्रोविजनली आपकी एक्सेप्ट हो जाती है फर्दर रिसर्च करने के लिए। जब भी हम लोग साइनप्सिस बनाते हैं तो साइनप्सिस जो आपकी प्रोविजनली कि हाँ आप इस पर काम कर सकते हो, वो चीज़ आपकी क्या है, एक्सेप्ट हो चुकी है, आप इस पर काम कीजिए और इसको प्रूव कीजिए, तो वो क्या हो जाती है, हमारी एक वर्किंग हाइपोथेसिस होती है जिस पर हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो जिन लोगों ने भैया इस पर वीडियो नहीं देखी है, प्रायर वीडियो आप लोग देख सकते हैं, इस पर 10,000 से ज़्यादा आपके MCQ हो चुके हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ रिसर्च जर्नल। अगर हमें चेक करना है कि रिसर्च जर्नल कौन सा सबसे अच्छा होता है, तो वो वेरी करता है, वो डिपेंड करता है उसके इम्पैक्ट फैक्टर पर। जिसका इम्पैक्ट फैक्टर जितना अच्छा होगा वो जर्नल उतना ही क्वालिटेटिव होगा। इसका मतलब इम्पैक्ट फैक्टर को याद रखना है कि इम्पैक्ट फैक्टर हमारा क्या होता है, जर्नल की क्वालिटी बताता है कि कितना गुड क्वालिटी का है। ओके, गुड रिसर्च एथिक्स मीन्स
क्या होता है कि गुड रिसर्च एथिक्स का मतलब है कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं बिना किसी प्लैगरिज्म के, अगर किसी से कोई डेटा ले रहे हैं, अगर हम ओरिजिनल कोई वर्क कर रहे हैं, तो वो सब क्या होता है हमारा गुड रिसर्च एथिक्स होती है। अगर हम किसी का डेटा ले रहे हैं तो हम उसको क्या करते हैं, एक्नोलेज करते हैं, उसका नाम देते हैं, उसका पब्लिशिंग करते हैं, सोर्स बताते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका गुड रिसर्च एथिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, जब हम लोग क्या बात करें नॉट डिस्क्लोजिंग द होल्डिंग ऑफ शेयर स्टॉक्स इन कंपनी दैट स्पॉन्सर योर रिसर्च, ये तो भैया प्लैगराइज्ड हो जाएगा, एक तो छुपाना हो जाएगा। जब हम क्या करते हैं असाइनिंग, ऑप्शन बी देखिए, असाइनिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम टू वन पीएचडी रिसर्च स्टूडेंट ओनली, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं असाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये वर्क जो है वो इनका है और हम उसको क्या कर रहे हैं पब्लिश कर रहे हैं या हम उसका सोर्स लिखते हैं, तो वो क्या हो जाता है एक गुड रिसर्च एथिक्स में आ जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। पहला मैंने पूछा था कि नॉट प्रोबेबिलिटी पर है, ये प्रोबेबिलिटी है, तो याद रखना स्ट्रेटिफाइड जब हम सैम्पलिंग की बात कर रहे होते हैं वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड होती है, फिर उसमें किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस इज रिटन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्मेट, APA फॉर्मेट। अगर हम लोग बात करते हैं तो APA फॉर्मेट सबसे ज़्यादा फेमस फॉर्मेट होता है रिसर्च लिखने का, पेपर लिखने का, या थीसिस लिखने का, या फिर साइनोप्सिस में रेफरेंसेस लिखने का। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, उस पर्सन का सरनेम आता है, फिर कॉमा लगाते हैं, और फिर क्या करते हैं कॉमा लगाने के बाद उसका नेम आ जाता है और उसका भी फर्स्ट लेटर लिखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मेरा नाम विकास शर्मा है तो यहाँ पर लिखेंगे शर्मा, फिर हम कॉमा लगाएंगे, विकास का सिर्फ वी ले लिया, डॉट, किस ईयर में वो पब्लिश हुआ है उस पब्लिश का ब्रैकेट में नाम लिख देते हैं जैसे 2010। इसके बाद फुल स्टॉप लगा के उस पर्टिकुलर पेपर का नाम या जर्नल का नाम, तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस कहाँ से हो रहा है, न्यू दिल्ली, कहाँ पर है तो टाटा मैकग्रा हिल। तो ये क्या हो गया APA स्टाइल हो गया। और जिन लोगों को अगर नहीं पता है तो मैंने रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स पर आपका इस पर वीडियो बना रखी है, आप लोग आराम से वहाँ प्लेलिस्ट में चेक करके सारी वीडियोस देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस, बोल रहा है आपको सीक्वेंस दिए गए हैं और उनमें से बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, कलेक्शन ऑफ डेटा, मेथडोलॉजी ऑफ इट, डेटा एनालिसिस। ठीक है, अब इसमें से आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ठीक है, और फिर लास्ट में रिजल्ट डिस्कशन। आपसे बोल रहा है 1 2 3 4 5 6, फिर दे रहा है 1 2 4 3 5 6, फिर 2 1 3 4 5 6, फिर आपका आ जाता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए क्या होता है, मैं सब समझा देता हूँ, बता देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले पूरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ये पहला स्टेप होता है किसी भी रिसर्च का। दूसरा होता है लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, मैं इसकी भी वीडियो बनी रखी हुई है, आप लोग चेक करते हैं कि साइनोप्सिस और रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, उसको प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम ये पहला स्टेप होता है, फिर लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव उनके क्या होते हैं वो चीज़ हम लोग लिखते हैं कि क्यों कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं किस मेथड से हम वहाँ पर क्या करेंगे रिसर्च ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे। तो थर्ड आता है आपका मेथडोलॉजी, दैट मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, टू फिर फोर आ जाएगा आपका। इसके बाद हम लोग कलेक्ट करेंगे डेटा, तो कलेक्शन ऑफ डेटा आपका फोर्थ हो जाएगा, जो थर्ड नंबर है वो फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ थ्री हो जाएगा, बाकी देखिए वही है डेटा एनालिसिस, इसके बाद रिजल्ट एंड डिस्कशन, दैट मीन्स ऑप्शन बी हो जाएगा 1 2 4 3 5 6। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। हाइपोथेसिस मेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, गलत है, ए सही बात है। हाइपोथेसिस मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल सही बात है, जहाँ पर कम एविडेंसेस होते हैं हम वहीं से स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन करना। हाइपोथेसिस इज अ प्रोसेस बेसिस फॉर रीजनिंग विदाउट एनी एजम्पशन ऑफ इट्स ट्रुथ, बिल्कुल सही चीज़ बोल सकते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होती है, एक बेस होता है, एक रीजनिंग होती है, जहाँ पर हम लोग कोई एजम्पशन ही लेके चलते हैं ट्रुथ की। फोर्थ ए थर्ड बोल रहा है आपका हाइपोथेसिस अ प्रपोज एक्सप्लेनेशन फॉर अ फिनोमेनन, बिल्कुल सही बात है। साइंटिफिक हाइपोथेसिस अ साइंटिफिक थ्योरी, ये बिल्कुल गलत बात करेंगे कि साइंटिफिक हाइपोथेसिस जरूरी नहीं है साइंटिफिक थ्योरी हो, वो भी हमारा एक अज्यूम्शन होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, मतलब गलत हो जाएगा। द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन, जब भी हम बात करते हैं, जब हम कोई रिसर्च करते हैं इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो होती है हमारी एक्शन रिसर्च। जैसे मैंने कहा कोरोना की वैक्सीन, तो वो क्या होगा एक एक्शन रिसर्च हो गई, जहाँ पर हम इमीडिएट प्रॉब्लम, अभी कोरोना जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो क्या होगा एक एक्शन रिसर्च हो गई। अगर हम उस पर कोई काम कर रहे हैं, उस पर कोई रिसर्च करते हैं, तो वो एक्शन रिसर्च हो जाती है। When two or more successive footnotes refer to the same work,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज्ड। जब क्या करते हैं हम दो या दो से ज़्यादा लोग क्या करते हैं किसी पर्टिकुलर काम को करते हैं या फुट नोट हम वहाँ पर देते हैं, तो वहाँ पर हम लोग फुट नोट देते हैं आई विड। ओके, और जब दो से ज़्यादा लोग अगर हमारे वहाँ पर रिसर्च पेपर लेते हैं तो वहाँ पर हम लोग एट ऑल यूज़ कर लेते हैं। तो दोनों चीज़ें याद रखना, फुट नोट्स अलग चीज़ है। 9 years old आर टॉलर देन 7 year old, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेफरेंस ड्रॉन फ्रॉम। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि भाई बता रहे हैं कि एक 9 साल का है वो टॉलर देन 7 year old, एक 9 साल का बच्चा है वो 7 साल के बच्चे से ज़्यादा लंबा है। तो ये क्या रेफरेंस ड्रॉन कर रहे हैं, हम एक क्रॉस सेक्शन स्टडी कर रहे हैं, दोनों की कंपेरिजन स्टडी कर रहे हैं, तब हम बता रहे हैं कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिसर्च बेस पर। कॉन्फ्रेंस आर मीन्ड फॉर, कॉन्फ्रेंस किस लिए की जाती है, जहाँ पर हमारे मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स हो, डिस्कशन हो, कास्टिंग न्यू रिसर्च हो, ऑल द अबव। तो यहाँ पर ऑल द अबव हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, मैं कई बार बता चुका हूँ। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मीन्स क्या होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट। तो आफ्टर द इंसिडेंट जब कोई चीज़ की जाती है तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बोला जाता है। रिसर्च एथिक्स, चलिए रिसर्च एथिक्स डू नॉट इंक्लूड, भाई रिसर्च इथिक्स इसमें क्या इंक्लूड नहीं करता, ऑनेस्टी, अरे बिल्कुल गलत है, सब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। चलिए तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए कमेंट करके आंसर बताएं, 6 का आंसर मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, तो जितने लोगों को आंसर इसका आता है वो लोग कमेंट करके लिखें। रिसर्च इथिक्स डू नॉट इंक्लूड ऑप्शन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ओके, थैंक यू।